दोस्तों नमस्कार। गाड़ी आई है टाटा सफारी, और गाड़ी में जो स्क्रैचेज है एक बार आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी में छोटे छोटे तकरीबन लगभग सारी डैमेज ही है, और ये देखिए बोनेट पे स्पॉट है, ये सारे खत्म करने हैं हमने। और इधर आइए, ये देखिए, ये फेंडर पे है, दरवाजे पे है, ये नीचे से भी बैंड है। तो ये सारे स्क्रैचेज को पेंटिंग करेंगे गाड़ी में, और पेंटिंग के बाद इस पे हम हाई ग्लोस कोटिंग करेंगे। और कोटिंग करने के बाद ये जैसे पूरा बैंड है, ये सारे ड्राई डेंट में नहीं हो सकते। कस्टमर की थोड़ा जैसा ड्राई डेंट हो जाए तो ये, लेकिन ये ड्राई डेंट में नहीं हो सकता। जैसे ये वाला पैचेज है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये सब चीज़ें ना ड्राई डेंट में प्रॉपर से नहीं आएंगी, तो इसमें हमारे को डेंट करके पेंट भी करना पड़ेगा। ऊपर से ये छत भी ऐसे ही बैठी हुई है, ये भी हमारे को पूरा डेंट करके इसको भी पेंट करना पड़ेगा। एक बार के लिए इस तरह डिग्गी पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं, ये अगर रबिंग में चले जाएं तो ये वाला स्पॉट जो बैठा हुआ है ये ऐसे ही रह जाएगा। तो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हम जितना भी कोशिश करेंगे पेंटिंग के सारे पीस ना हो के, जितने हम बचा सके पेंटिंग को उतना बचाने के बाद, और गाड़ी में डेंट पेंट करके पूरी एक बार कोटिंग करेंगे। और गाड़ी कैसे निखर के आती है, कैसे कैसे होता है, सारा इसमें हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी हम डेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इसमें, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, देखें गाड़ी कैसे निकल के आती है। तो हमारी टाटा सफारी गाड़ी डेंटिंग पे लग चुकी है, और उसके हमने जो डेंट है वो तो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके ऊपर जो क्वार्टर पैनल पे था 0-0 हो गया है। दोस्तों हमारी डेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें हम ये पोलिस्टर पुट्टी का जो है ये हमने इस पर भर दिया है। ये डेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब इस पर पेंटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। इधर से भी आप देख सकते हो ये सारा हमने पुट्टी का काम इसका कर चुके हैं। ये हमने इसका फेंडर कर दिया है, दरवाजा और क्वार्टर पैनल, सारी चीजें डेंटिंग हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम इसके बाद डेंटिंग का काम खत्म हो गया है, अब पेंटर का काम स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही गाड़ी में पेंटिंग का काम स्टार्ट हो गया, पेंट बूथ में जाएगी तो दिखाते हैं आपको। सफारी हमारी पेंट होके और पेंट बूथ से बाहर निकाल दी है, और इसका मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जहाँ पे जो टचिंग थी ना, कि पूरा पूरा पेंट ना करके जहाँ जहाँ पे टचिंग थी, जैसे फेंडर पे यहाँ के आसपास थी, ये इतना ही पीस किया है। और एक बार आप देख सकते हो कहीं से भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, हमने इसका पैच मिला दिया है। ये जो डोर था, जो नीचे नीचे से था ये वाला, यहाँ से जो था डेंट, ये वाला यहाँ से ठीक कर दिया है, और गाड़ी की ओरिजिनलिटी भी रहेगी है, और पूरा पीस पेंट भी नहीं करना। ये क्वार्टर पैनल है, क्वार्टर पैनल पे यहाँ पे डेंट था, ऊपर डेंट था, ये हमारे को पूरा पीस पेंट करना पड़ा है इसका। ये पूरा पेंट कर दिया है, और साथ में ये क्वार्टर पैनल पूरा डेंट था, ये पीस पूरा का पूरा पेंट कर दिया है, क्योंकि ये पूरा ऊपर इस कोने से भी बैठा हुआ था यहाँ से, और ये वाला यहाँ से पूरा पेंट कर दिया है। और ये जो फ्रंट डोर था, फ्रंट डोर को मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ये पीस यहाँ से, ये डेंटेड था, ये पीस पेंट हो गया है। जो फेंडर पे था, फेंडर पेंट हो गया है। और गाड़ी अभी करेंगे इस पे रफ मार के रबिंग करेंगे, और गाड़ी रफ रबिंग करने के बाद फिर गाड़ी में करेंगे हाई ग्लोस कोटिंग, और हाई ग्लोस कोटिंग के बाद एक बार देखते हैं गाड़ी कैसी चमकती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे,
गाड़ी कैसी लगेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी गाड़ी रेडी है पूरे, हमने जैसे दिखाया था आपको बीच में पूरे पूरे पीस पेंट ना करके क्वार्टर पैनल पूरा पीस पेंट किया, बाकी छोटे छोटे पैचेस में किया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने दरवाजा यहाँ से था तो यहाँ से कर दिया था पेंट, और ये यहाँ से था स्पॉट तो यहाँ से पेंट कर दिया ताकि गाड़ी की ओरिजिनलिटी बनी रहे। और ये क्वार्टर पैनल पूरा पेंट किया है, ये पूरा डेंट था। और मैं एक बार अंदर की ड्राइकलिंग भी दिखा देता हूँ, ये अंदर से ड्राइकलिंग के बाद गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। एक्चुअली लाइट जो कलर है इस पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी ड्राइकलिंग करानी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही हल्का सा कुछ भी दाग लगता है तो दिखता है। तो दोस्तों एक बार गाड़ी का आगे से दिखाइए, कोटिंग के बाद कैसी लग रही है ये देखिए। जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना।